डिंडौरी में नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियों से रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। रेत ठेकेदार के गुंडे बंदूक की नोक पर डरा धमकाकर नदियों से रेत का अवैध कारोबार कर रहे हैं। शासन प्रशासन द्वारा इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। डिंडौरी में गाड़ा सराई करंजिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नदियों से रेत का अवैध कारोबार लगातार जारी है। आपको बता दें, यहाँ पर शासन ने एक ही रेत खदान की स्वीकृति की है, लेकिन रेत ठेकेदार के गुंडे जगह जगह पर बंदूक की नोक के दम पर रेत का अवैध कारोबार कर रहे हैं और साथ ही शासन को लाखों रुपए का चूना भी लगा रहे हैं। ये गुंडे सिर्फ अवैध कारोबारी नहीं बल्कि वाहन चालकों को डरा धमकाकर उनसे पैसे भी वसूल रहे हैं। वाहन चालकों ने बताया कि रेत ठेकेदार के गुंडे बंदूक दिखाकर वसूली कर रहे हैं। इससे पहले भी यहां पर ऐसे मामले सामने आए हैं, लेकिन शासन प्रशासन किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने में नाकाम रहा है। आपको बता दें, गाड़ासराई क्षेत्र में नर्मदा नदी और सिवनी नदी है। नर्मदा नदी के साथ साथ नर्मदा की सहायक नदियों से रेत माफिया लगातार रेत का अवैध खनन और परिवहन कर रहे हैं। लगातार नदियों से रेत का अवैध खनन से संबंधित विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि विभाग रेत माफियाओं के ऊपर क्या कार्रवाई करता है। ठेकेदार का मामला ये है कि इनकी खदान मूसा मुंडी में 5 एकड़ 6 एकड़ जो भी है ये 10 किलोमीटर दूर से यहाँ कभी कभी निकलती है। ठेकेदार के लोग यहाँ आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, इतना पैसा चाहिए उतना चीज़ रेखा लोग नहीं निकालने देंगे। लाल खादी में वही हाल है, वही हाल रहेंगी में, वही रूसा बंजर में, और ये बंदूक बंदूक दिखा के रात की रंगदारी करते हैं। पैसा तो नहीं, थाने ले जाएंगे, नहीं तो कौन है दिखा देख देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हैं ये ठेकेदार लोग अवैध वसूली कर रहे हैं। इनका ठेका मूसा मुंडी का है और ये सुनी नदी से लाल खाती, रूसा बंजर सब जगह बैठ के गुंडागर्दी कर रहे हैं, बंदूक दिखा के अवैध पैसा वसूली कर रहे हैं। जी, जो ठेकेदार जो है अवैध रेत की वसूली कर रहा है, उसका जो एक ही खदान स्वीकृत है वो है मूसा मुंडी खदान। पर वो लाल खाती हो गया, रहंगी हो गया, रूसा बंजर हो गया, तेलीटोल हो गया, जहाँ तक कि सुनी नदी में भी थोड़ी बहुत जो रेत निकलती है वहाँ भी अपने गुंडों को बैठाल रखा है और अवैध वसूली बंदूक के द्वारा दिखाकर ट्रैक्टर वालों से, जितने भी हैं संगठन में ट्रैक्टर वाले हैं, उनसे सब पैसा वसूल कर रहा है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।